नमस्कार। सो काफ़ी स्टूडेंट्स को यही अब एंग्जाइटी हो रही है कि काउंसलिंग स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि काउंसलिंग क्यों रुकी हुई थी। और आई ऑलवेज टेल पीपल कि मेरे चैनल पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, थोड़ी सी लॉजिकल होती है, थोड़ी सी इंटरप्रेटेड होती है। तो कल ही एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया जिसकी वजह से काउंसलिंग का स्टार्ट रुका हुआ था। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो कि रिजल्ट क्यों लेट हुआ था, कि दो बच्चों ने केस करा था जिनके साथ दिक्कत हो गई थी महाराष्ट्र में। अब हाई कोर्ट ने तो बोला था पेपर दोबारा लो प्लस नीट का रिजल्ट रोक दो। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो पहला फैसला आया था उसमें नीट रिजल्ट अलाउ हुआ था, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि दो बच्चों के जो रीट टेस्ट है इसका जजमेंट हम अभी नहीं दे रहे हैं। सो वो जजमेंट फाइनली कल आया है कि उन दो, मैं तो बेचारा ही बोलूँगा, बेचारों का दोबारा नीट पेपर नहीं होगा। और चूंकि उन दोनों का नीट पेपर नहीं होगा, सो नाउ अब ऑप्शन हो गई है, मतलब कि नाउ एमसीसी कैन स्टार्ट और गिव द नोटिफिकेशन, बिकॉज काउंसलिंग की प्रोसेस अब स्टार्ट हो सकती है। रिजल्ट देना एक बात थी, लेकिन काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले उस केस का फैसला होना ज़रूरी था। तो क्या आज चालू होगी? जैसे मैं हमेशा कहता हूँ नो, क्योंकि आज सैटरडे हो गया है और एमसीसी भी एक तरह से सरकारी कंपनी है। तो सैटरडे को कौन आके उस लिंक को लाइव करेगा, कौन आके उस जो काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस के शायद डॉक्यूमेंट को लाइव करना भी तो 5 मिनट का काम होता है। आई एम श्योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर रेडी। तो 99.999% आप मंडे 15 नवंबर सुबह सुबह देख सकते हैं कि एमसीसी का जो शेड्यूल होगा राउंड 1 का वो अपलोड हो जाएगा विद ऑल द डिटेल्स। डिटेल्स तो मोटा मोटी सेम ही रहती हैं जो लास्ट ईयर की थी, तो आप लास्ट ईयर वाला देख सकते हैं। सो 15 नवंबर 16 नवंबर आई थिंक द प्रोसेस ऑफ राउंड 1 ऑफ चॉइस ऑफ एमसीसी काउंसलिंग विल स्टार्ट। जहाँ तक स्टेट्स की बात है, हम जानते हैं कि पौंडेचेरी ने सिर्फ अपनी स्टार्ट कर रखी है रजिस्ट्रेशन, नॉट एग्जैक्टली राउंड 1 बट बेसिक रजिस्ट्रेशन, जो केरला पहले करवाता है और सीएमसी वेल्लूर ने करवाई थी। तो इस तरह कुछ कुछ लोग जो प्री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो प्रोसेस चालू हो रही है, लेकिन पौंडेचेरी का भी ऐसा कुछ नहीं कि भी राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन होती है वो कुछ स्टेट्स पहले या यूटीज पहले करवा लेती हैं, तो वो पौंडेचेरी का भी स्टार्ट है, वी ऑल नो 3-4 दिन पहले स्टार्ट हो चुका और 22 नवंबर तक है। तो अब एमसीसी काउंसलिंग मंडे ट्यूसडे को स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है उन दो बच्चों को लेके। धन्यवाद, बेस्ट विशेज वंस अगेन।